तो हेलो एंड वेलकम गाइस, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत वेलकम आज के इस नई वीडियो में। एंड गाइस, आज के इस वाले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग सरवाइव कर सकते हो आर्कटिक मोड के अंदर। ठीक है, ये एक नया विंटर मोड है, ठीक है, जो कि बहुत पहले आना था लेकिन अब वो फाइनली आज ही के दिन आ गया है। एंड गाइस, मैंने वीडियो बना करके सुबह आप लोगों को बता दी थी, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कैसे आप लोग उस मोड के अंदर सरवाइव कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी एंड क्या क्या चीज़ें आप लोग कैसे कैसे कर पाओगे, मतलब सारी ही चीज़ें बताऊंगा आप लोगों को इस वीडियो के अंदर। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अगर आप लोग ये वीडियो पूरा का पूरा एंड तक देखते हो तो गाइस आप लोगों के दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी, ना ही आप लोगों को कोई और वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसमें कुछ चीज़ें मिलेंगी आप लोगों को, वो क्या क्या चीज़ें हैं सबसे पहले मैं आप लोगों को वो दिखा देता हूँ। तो गाइस वीडियो को दिखाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ जिनसे आप लोगों को एकदम क्लियर कट हो जाएगा कि भाई क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ये वाला स्क्रीनशॉट देखिए। एंड आप लोगों को पता ही होगा कि जो हमारा मैप रहेगा, जो विंटर मोड के लिए मैप चुना गया है, वो चुना गया वीकेंडी। ठीक है, ये पूरी की पूरी बर्फ़ वगैरह पड़ती है तो ये इसके लिए सबसे बेस्ट मैप है। तो मैं गाइस इधर आप लोगों को बता देता हूँ इसमें बेसिकली होता क्या है कि आप लोगों को कुछ टाइम तक तो नॉर्मल वीकेंड ही रहेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होगा कि गाइस वहाँ पर बहुत तेज हवाएं चलने लग जाएगी जिससे कि आप लोगों का बॉडी का टेम्परेचर जो है वो गिरता चला जाएगा। मतलब हमारे शरीर में गर्मी रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर वो गर्मी ख़त्म हो जाती है तो आप लोग मर जाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ रहती है। तो इसमें क्या किया गया है, सेम टू सेम वही चीज़ की गई है। अब जैसे ज़ॉम्बी आते थे ना कुछ टाइम बाद, आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग ज़ॉम्बी मोड खेलते थे तो उसमें कुछ टाइम बाद बहुत सारे ज़ॉम्बी आने लग जाते थे तो टाइमर चलता था। तो उसी तरह से एक टाइमर आप लोगों को मैप के नीचे मिलेगा जोन वाला, दूसरा वाला जो टाइमर है वो है नॉर्मल डे का, और फिर उसके बाद में जब विंटर आएगा उसका। तो अभी है नॉर्मल डे वाला, अब मैं आप लोगों को जो दिखा रहा हूँ ये है विंटर वाला टाइमर। ठीक है, ये विंटर आप लोगों की दो बार आएगी, जैसे ज़ॉम्बी दो बार आते थे ना हमारे पास, उसी तरह से विंटर भी हमारे पास दो बार आने वाली है। दो बार हम लोगों को क्या करना होगा, फटाफट से भाग के किसी भी घर के अंदर जाकर के बैठना होगा। अगर आप लोग नहीं बैठोगे तो आप लोग बाहर मतलब ठंड से मर जाओगे। तो ये चीज़ इस गेम के अंदर रहने वाली है इस बार। तो गाइस इसमें आप लोगों को कई तरह की अलग अलग तरह की चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि सबसे पहले आप लोगों को एक फायर बटन मिलेगा इस तरह का, जिसमें कि आप लोग अपने बैक पर क्लिक करोगे तो आप लोग इस फायर बटन का यूज़ करके मतलब आग वगैरह लगा करके घर में आराम से बैठ सकते हो, क्योंकि आप लोगों को हाथ वगैरह सेकने रहेंगे, तो वो चीज़ आप लोग इससे ईजिली कर सकते हो। ये तो थी पहली चीज़ जो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। दूसरी चीज़ जो मिलेगी वो है ब्रांचेस। ब्रांचेस मतलब लकड़ी के कुछ टुकड़े मिलेंगे जो कि आप लोग को कलेक्ट करने होंगे। जब भी आप लोग कहीं पर भी आग लगाते हो तो उसमें आप लोगों को लकड़ियाँ भी लगानी पड़ेंगी जिससे कि उसका टाइमर बढ़ जाएगा। तो इसमें पूरा टाइमर वगैरह सब आएगा, भी आप लोगों को आगे दिखा दूंगा। उसके बाद में गाइस आप लोगों को मिलेगी वॉर्म पैक, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि गाइस जैसे ही आप लोगों का टाइमर स्टार्ट होगा मतलब ठंड वाला टाइम आएगा तो आप लोगों को फटाफट से घर में भागना है। अब घर में भागने से पहले आप लोगों की हेल्थ कम होना स्टार्ट हो जाएगी अगर घर दूर है तो ऐसे में आप लोग वॉर्म पैक का यूज़ कर सकते हो। इसे लगाने से आप लोगों की हेल्थ नहीं जाने वाली कुछ टाइम के लिए। दूसरी चीज़ आप लोगों को उसी तरह से एक हीटर भी मिलेगा, इसकी आप लोग कह सकते हो बैटरी है या फिर इसमें जो तेल वगैरह डलता है वो है, तो वो चीज़ भी इसमें हीटर में आप लोगों को मिलेगी। इस हीटर को आप लोग कुछ टाइम तक के लिए यूज़ कर सकते हो। एंड गाइस जब एनिमी सारे हाथ वगैरह सेक रहे होंगे तो ऐसे में आप लोग उन पर रश कर सकते हो हीटर को लेकर के। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को गाइस एक कमाल की चीज़ देखने के लिए मिलेगी। और गाइस इस वाले मैप के अंदर कई सारे आप लोगों को मुर्गा मुर्गी नजर आ जाएंगे, ठीक है, घूमते फिरते हुए ब्लैक एंड व्हाइट कलर के। तो ऐसे में गाइस इनके साथ आप लोगों को क्या करना है, इनको आप लोग किल करना होगा। ठीक है, जैसे आप लोग इनको किल करोगे तो आप लोगों को इनके पास से एक रॉ मीट मिलेगा। ठीक है, रॉ मीट, तो उसको आप लोग अगर खाओगे तो उससे भी आप लोगों के शरीर के अंदर जो है गर्मी आ जाएगी। तो मैं वो चीज़ भी आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग इसको कच्चा नहीं खा सकते। आप लोगों ने जिस तरह से मतलब मैंने अभी बताया कि आप लोगों को आग वगैरह लगानी है उस पर इसको टोस्ट करना है, ये अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वीडियो में, टेंशन मत लो। अभी सिर्फ इतना समझो कि इसमें आप लोगों को चिकन भी मिलेगा कुछ इस तरह का, और गाइस जब आप लोग उसको मार दोगे तो आप लोग कुछ इस तरह का एक रॉ चिकन मीट मिलेगा जो कि आप लोगों को अपने बैग में रख लेना है। एंड उसके बाद में जब भी आप लोग कहीं पर भी जाकर के अपना फायर करके बैठते हो तो आप लोग उसको एक ऑप्शन आएगा रोस्ट करने का, तो आप लोग उसको रोस्ट कर सकते हो, उसके बाद आप लोग उसको खा सकते हो। और गाइस इसी के साथ साथ आप लोगों को एक बहुत ही कमाल की चीज़ देखने के लिए मिलेगी, वो है एक क्रेट। ठीक है, ये है आर्कटिक सप्लाई क्रेट, ऐसे करके इसका कुछ नाम है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। एंड गाइस इसके अंदर आप लोगों को ड्रोन भी मिलेगा, इसके अंदर आप लोगों को AWM भी मिलेगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी इसके अंदर। ठीक है, जितनी भी वेपन हम लोगों की ड्रॉप में मिलती हैं वो सारी की सारी आप लोगों को यहीं पर देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, इसके अंदर गाइस बहुत ज़्यादा चांस है कि आप लोगों को ड्रोन भी मिल जाए। एंड मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ड्रोन जो है वो किस तरह का है दिखने में। तो कुछ इस तरह का आप लोगों को ड्रोन मिलेगा, एंड इसकी भी बैटरी है। ठीक है, इसकी फाइट मैं वीडियो के एंड में दिखाऊंगा, बहुत ही कमाल की बहुत ही बढ़िया फाइट दिखाऊंगा। ठीक है, बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैंने पूरी प्रॉपर वीडियो ड्रोन के ऊपर बना रखी है, कैसे ड्रोन को उड़ाना है, क्या क्या पूरी इसकी चीज़ें होती हैं। और गाइस आप लोग जब कभी भी फायर करोगे तो कुछ इस तरह से मैप में नज़र आएगा। ठीक है, जितने भी लोग मतलब फायर करेंगे तो सभी की लोकेशन आप लोगों को नज़र आ जाएगी, कौन कहां पर बैठा हुआ है। तो ऐसे में आप लोग हीटर वगैरह लेकर के या फिर वॉर्म पैक लगा करके उन बंदों को इजीली से किल कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने सारी चीज़ें बता दिया, अब चलते हैं देखते हैं वीडियो को। तो गाइस अभी मैं स्टार्ट कर देता हूँ मैच को, एंड आप लोग देख सकते हो आर्कटिक मोड मैंने लगा दिया है, एंड आप सभी को ये नज़र आ रहा होगा लॉबी में। ठीक है, आप लोग भी जाकर के जरूर से इसको ट्राई करना।
तो वैसे अभी आप लोग देख सकते हो मैं आ चुका हूँ स्पॉन आइलैंड पर। ठीक है, ये पूरी की पूरी वीकेंड की तरह अभी आप लोगों को कुछ भी डिफरेंस जो है नज़र नहीं आ रहा होगा। सिर्फ एक नया डिफरेंस नज़र आ रहा है, वो है स्की का। ठीक है, स्की का आप लोगों को ऑप्शन नज़र आ रहा होगा और आप लोग देख सकते हो मैप के नीचे में जो मैंने आप लोगों को अभी टाइमर वगैरह सब समझाया था वो स्टार्ट हो चुका है। और गाइज़ ये 10 मिनट कुछ सेकंड से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अभी देखते हैं कब तक चलने वाला है। और गाइज़ अभी मैं नीचे की तरफ उतरता हूँ एंड कुछ लूट वगैरह कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। तो गाइस सबसे पहली चीज़ आप लोग देख सकते हो, मैंने अभी आप लोगों को एक करेट दिखाई थी। ठीक है, आर्कटिक स्पेशल करेट दिखाई थी, मतलब सप्लाई करेट। तो उसमें आप लोग देख सकते हो अभी सामने मेरे करेट है एंड मैं इसको ओपन करूंगा और आप लोग देखना इसमें क्या क्या सामान निकलता है। तो आप लोग देख सकते हो M249 मुझे आते ही मिल गई है। तो आप लोगों में इसलिए इस चीज़ को मैंने आप लोगों को पहले समझाया था कि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे, जहाँ भी आप लोगों को इस तरह से लाइट जलती हुई नज़र आ जाए तो आप लोग डायरेक्टली उस वाली लोकेशन पर चले जाना। ठीक है, ये हर जगह स्पॉन हो रही है, मतलब हर जगह आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो गाइस अभी आप लोग देख सकते हो मेरे सामने में कुछ मुर्गी वगैरह हैं जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताई थी। एंड गाइस आप लोगों को इनके ऊपर में फायर करना होगा। ठीक है, इनको मतलब इनका जो मीट है उसको आप लोगों को खाना होगा। ठीक है, इस गेम के अंदर मतलब ये चीज़ आप लोग करनी है, इसको ज़्यादा सीरियसली मत लेना किसी भी चीज़ से। ठीक है, बाकी इस तरह की आप लोगों को चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। मैं अभी इसको जल्दी से पिक कर लेता हूँ। और गाइस मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसकी के बारे में समझा देता हूँ। इसकी आप लोगों के पास में हमेशा रहेगी। आप लोग बैग ओपन करके देखोगे तो इधर यूज़ का बटन आ रहा है, यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो। बाकी इसकी पर आप लोग सिंपली टैप करके इसकी का जो आप लोगों के पास में एक बोर्ड आ जाएगा जिससे आप लोग कहीं पर भी जा सकते हो। ठीक है, इसमें कोई ऐसा फ्यूल नीचे दिखा रहा है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग इसको कितना भी चला सकते हो। ठीक है, ये चीज़ मतलब बस एक ऐड कर दी गई कि कोई भी पबजी वाले व्हीकल पर बैठेगा तो उसे फ्यूल नज़र आएगा, बट इसके अंदर फ्यूल का कोई सीन ही नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इसको भी इधर से यूज़ कर सकते हो इस वाले मोड के अंदर। तो बेसिकली गाइस अभी जस्ट स्टार्ट होने वाला है हम लोगों का सर्दी वाला टाइम। ठीक है, तो अभी आप लोग देखना, अभी मैं बाहर खड़ा हुआ हूँ एंड मैप में देख लो एकदम से चेंज हो गया। ठीक है, और हवाएं चलने लगी हैं बहुत तेज़। एंड जहाँ पर अभी मार्क बना हुआ आ रहा है गाइस, वहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये है हम लोगों की बॉडी का टेम्परेचर। ये जितना ज़्यादा डाउन होता जाएगा उतनी हम लोगों की फिर हेल्थ भी कम होती जाएगी। ठीक है, इतने पर तो कुछ नहीं होता, बट जब ये येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है तो आप लोगों की हेल्थ कम होनी स्टार्ट हो जाती है। तो गाइस ऐसे में आप लोगों को एक बटन मिलता है जिस पर लिखा हुआ है स्टार्ट फायर, वहाँ से भी आप लोग फायर स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों को सिंपली टैप करना है। एंड गाइस ये देख लो कुछ इस तरह से ये जो है फायर की एक चीज लगा देगा जिस पर आप लोग मतलब हाथ वगैरह सीख सकते हो। एंड इधर आप लोग एक ऑप्शन मिलेगा ऐड ब्रांचेस का, तो आप लोग इस पर टैप कर करके इसमें जितनी भी आप लोगों के पास में ब्रांचेस है लकड़ी है तो वो सारी की सारी आप लोग इधर लगा सकते हो। जैसे जैसे आप लोग लकड़ी लगाते जाओगे वैसे वैसे टाइम बढ़ता जाएगा। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा जितना आप लोगों के मैप में मतलब टाइम आ रहा है कि कितनी देर तक आप लोग सर्वाइव कर सकते हो, तो आप लोग सिर्फ उतनी ही ब्रांचेस को यूज़ करो, उतनी ही ब्रांचेस लगाओ। मतलब ज़्यादा लगाने से क्या होता है कि एनिमी को पता चल जाता है कि आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हो। तो अभी तो हमने इधर ब्रांचेस लगा दिया एंड मैं अगर आप लोगों को बाहर की तरफ थोड़ा सा दूर जा करके दिखाऊं तो ये देखो मैं अगर इतनी भी दूर आ रहा हूं तो मेरी जो हेल्थ है वो कम हो रही है, मतलब मेरा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो डाउन हो रहा है। अभी मैं आप लोगों को इधर दिखा देता हूं गाइस एक चिकन को रोस्ट करके। ठीक है, नीचे की तरफ में ऑप्शन भी आ रहा है रोस्ट मीट, तो मेरे पास तीन है। मैंने आप लोगों के सामने अभी तीन को किल किया था तो मेरे पास तीन है, तो मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इनको अभी कैसे आप लोग करना है। तो इसके ऊपर आप लोग यूज़ पर भी क्लिक कर सकते हो, बाकी रोस्ट मीट पर आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे तो इधर ये देखो एक चिकन रख दिया इसने। एंड गाइस ये पूरा का पूरा फ्राई हो चुका है, अब इसको हम लोग उठा लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से गाइस आप लोगों को करनी होती है सारी की सारी चीज़ें। और गाइस जो भी एनिमी आप लोगों के पास में होगा तो इस तरह से आप लोगों का फायर करके आप लोग देख सकते हो स्क्रीन के बीच में आ रहा है फायर, इतने मतलब सेकंड नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, मेरे पास में एक बंदा है जो कि अभी बैठा हुआ है साइड में। ठीक है, उसने भी फायर को जलाया हुआ है, तो अभी इसके पास चलते हैं। एंड गाइस इसको अभी मैं किल करके आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो ऐसे में आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग हीटर का यूज़ कर सकते हो। जैसा कि अभी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, जैसे ही मैं हीटर हाथ में लूँगा तो मेरी जो हेल्थ है वो बिल्कुल भी नहीं जाएगी। अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ये चीज़ करके। तो ये सामने की तरफ में बंदा है, फटाफट से उसके पास में चलते हैं। एंड गाइस मैं इधर से निकालता हूँ अपना हीटर, हीटर को निकाल लिया मैंने। अब मेरी आप लोग हेल्थ देख लेना या बॉडी का टेम्परेचर देख लेना, ये बिल्कुल भी कम नहीं होगा, मैं आराम से उस बंदे के पास चला जाऊँगा। एंड गाइस आप लोग भी यही चीज़ करनी है। ठीक है, अगर आप लोगों को किल करना है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तो आप लोगों को भी यही चीज़ करनी है। जब भी आप लोगों के विंटर मोड मतलब स्टार्ट होता है तो आप लोगों को डायरेक्टली अपने हीटर वगैरह या भी जो भी आप लोगों के पास में जुगाड़ है उसको लेकर के फटाफट से निकल जाओ। एंड गाइस जितने भी बंदे हैं आप लोगों के पास में उनको किल करना स्टार्ट कर दो। तो आप लोग देख सकते हो मैंने हीटर की मदद से कितनी जल्दी इसको इजीली से किल कर दिया। तो गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हीटर का क्या यूज़ रहने वाला है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग की जो ये वॉर्म पैक है इनका भी इसी तरह से यूज़ होता है। एंड गाइस इधर देख लो मैंने एक चिकन खा लिया तो मेरी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो फिर से मेंटेन हो गया, मतलब जितना पहले था उतना ही हो चुका है। एंड गाइस इसी तरह से काम करती है हमारी वॉर्म पैक्स भी। बाकी गाइस आप लोग मैप के अंदर भी देख सकते हो, मैप में सारी लोकेशन आ जाएगी, जितने भी बंदे अभी जिंदा हैं तो सारे के सारे लोकेशन मतलब आप लोगों को नज़र आ रही है कहाँ कहाँ पर फायर हुआ है। इससे ये पता चल जाता है गाइस कि कहाँ कहाँ पर एनिमी है। ऐसे में आप लोग अपने ड्रोन कैमरे को वहाँ पर भेज करके उन पर अच्छा खासा रश कर सकते हो। ठीक है,
अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ गाइस की वार्म पैक जो होती है उनको आप लोग कैसे यूज़ कर सकते हो। तो मैं एक बार फिर से आ चुका हूँ बाहर और मेरी बॉडी का टेम्परेचर चेक कर लो एक बार, ठीक है, वो फिर से डाउन होना स्टार्ट हो गया है। तो अभी ये जो वार्म पैक है अगर मैं इसको लगा लेता हूँ और ऐसे में मैं कहीं पर भी जाता हूँ, जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हो मैं अभी जा रहा हूँ, तो मेरी बॉडी से बिल्कुल भी मतलब मेरी जो हेल्थ है वो बिल्कुल भी नहीं जा रही है। तो इस तरह से आप लोग वार्म पैक का यूज़ कर सकते हो या फिर हीटर का यूज़ कर सकते हो अगर आप लोग बाहर जा रहे हो तो। और गाइज़ अभी आप लोग देख सकते हो जो हमारे 5 मिनट के या फिर 6 मिनट के लिए जो विंटर मोड आया था ये फिर से अभी जा चुका है, ठीक है, 5 सेकंड का रह गया। तो ये था मतलब पहला वाला, ठीक है। जो पहले वाले में मैं आप लोगों को बता दूँ इसमें आप लोगों को बहुत ही कम डैमेज मिलता है, लेकिन जो दूसरा वाला विंटर आता है ना, मतलब दूसरी वाली जो सर्दी आती है उसमें गाइज़ आप लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब आप लोगों की बहुत जल्दी जल्दी हेल्थ जाएगी, आप लोगों का बॉडी का टेम्परेचर जो है बहुत जल्दी जल्दी गिरने वाला है। और गाइज़ आप लोग देख सकते हो फिर से एक बार जो है दिन पूरा का पूरा निकल चुका है, 5:45 पर निकला है, ठीक है। तो अभी दोबारा से फिर से जो मैं अभी आप लोगों को बता रहा था कि फिर से विंटर आएगी तो उसमें देखते हैं कि क्या होता है। तो गाइस आप लोग देख सकते हो फिर से एक बार विंटर आने वाली है, 2 सेकंड बचे हुए हैं सिर्फ, और फिर से एक बार विंटर आएगी एंड इस बार जो डैमेज मिलेगा वो बहुत ही तगड़ा वाला मिलने वाला है, ठीक है। और इस बार मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग अगर मान लो कहीं पर भी अगर विंटर आ चुकी है तो आप लोगों को ऐसे में बंदे मारने आसपास के तो आप लोग कैसे मार सकते हो उनको। तो मैं इधर एक बार अपनी जो फायर है उसको स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, लगा देते हैं इधर एक अपने लिए भी ताकि हम लोग की हेल्थ जो है वो बराबर रहे। तो इधर ब्रांचेस डाल देते हैं, अगर आप लोगों के पास कुछ भी चीज़ नहीं है सिर्फ ब्रांचेस है तो आप लोग बस इधर आकर के आराम से आग लगा सकते हो। लाइटर जो होता है मतलब आग लगाने के लिए वो आप लोगों को ढूंढना नहीं पड़ता, ठीक है। अभी जो सारे के सारे बंदे हैं वो इस वाले सर्कल में आ चुके हैं, ठीक है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, 7 बंदे बचे हुए हैं जिनमें से एक तो मेरा ही टीममेट है, उसके अलावा इधर अभी बचे हुए हैं 5 बंदे, ठीक है। तो अभी इनको चलेंगे जल्दी जल्दी से मारेंगे, ठीक है। तो मैंने अभी सारे के सारे ब्रांचेस जो है इधर लगा दिया एंड एक बंदा है जो कि मेरे बहुत ही पास में है, तो अभी मैं उसके पास में जाऊंगा, पहले अपने लिए एक चिकन विकन तैयार कर लेते हैं इस तरह से, क्योंकि आप लोगों को जब भी निकलना है बाहर तो पूरी तैयारी से निकलना है क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। यार ये वाली अपडेट पबजी मोबाइल को देनी चाहिए थी, मतलब ठंडी में, लेकिन अब गर्मी जब इतनी इतनी तगड़ी वाली मतलब गर्मी पड़ने वाली है तब जा करके ये वाली अपडेट दी है मतलब। तो अभी मैंने कहा एक हॉट बैंडेज जो है वो लगा लिया, ठीक है, इसको आप लोग कुछ भी कह सकते हो, हॉट बैंडेज होगी या फिर आप लोगों की वॉर्म पैक हो गई, ठीक है। तो मैंने इसको लगा लिया है एंड मैं फटाफट से निकल गया हूँ अभी। तो मेरे को अभी देखो कुछ टाइम तक तो कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली है, तो मैं फटाफट से अपनी गाड़ी लेकर के इधर आ गया हूँ एंड इधर मुझे उसके बाद में तो कुछ नहीं करना, मुझे इधर से ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, फायर। तो आप लोग देख सकते हो सामने में बंदा बैठा हुआ है एंड मैंने इधर 2-3 गोली चलाई और वो बंदा खत्म, ठीक है। ये वाली जो आइडिया गई ये नई वाली आईडी बना करके मतलब मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, आप लोगों को सच बताऊँ बहुत कोशिश कर रहा, तो आप लोग इस चीज से माइंड मत करना, बाकी गेम प्ले तो सबका सेम ही रहने वाला है, ठीक है। तो अभी चलते हैं दूसरी वाली लोकेशन पर, एक बंदे को मैंने मार दिया है, दूसरी वाली लोकेशन पर चलते हैं। एंड गाइस आप लोगों को इसी तरह से रश करना है जब कभी भी आप लोगों को लगता है कि हाँ भाई कोई दिक्कत है, बाकी आप लोगों को एयर ड्रॉप मिलेगा, एयर ड्रॉप के अंदर आप लोगों को ड्रोन कैमरा जरूर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ड्रोन की मैंने आप लोगों से बोली थी कि मैं लास्ट में दिखाऊंगा, बस अब मैं लास्ट में आप लोगों को ड्रोन के बारे में दिखाने ही वाला हूँ। तो गाइस इधर भी मुझे प्रिंट आ रहे थे मतलब बंदे के, मुझे पता था इधर जो है फायर करके बैठा हुआ है बंदा, ठीक है। तो आप लोग इधर देख सकते हो ये बंदा यहाँ पर है और मैं इसको इजीली से मार दूंगा। तो आप लोग हॉट बैंडेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना ताकि आप लोग एनिमी को मार पाओ। तो आप लोग गए सारी की सारी चीज़ों को समझ गए होंगे कैसे सारी चीज़ें आप लोग को यूज़ करनी है। अब गाइस मैं आप लोग को ड्रोन वाली चीज़ दिखा करके वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कॉमेंट करना और अपने सभी दोस्तों के साथ में इस वाली वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो गाइस अभी आप लोग देख सकते हो मेरे पास में है ड्रोन एंड गाइस अभी आप लोग उसको उड़ा करके दिखाता हूँ। एंड गाइस अभी होने वाली है बहुत ही कमाल की एक फाइट, ठीक है। इस ड्रोन से मतलब आप लोग कैसे बंदों को स्पॉट कर सकते हो ये चीज़ अभी मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस ड्रोन को जो है ओपन कर लेते हैं, मतलब बैक को ओपन कर लेते हैं एंड उसके बाद में आप लोग को ड्रोन पर क्लिक करना है, उसके बाद में यूज़ पर क्लिक करना है। इसी तरह से आप लोग ड्रोन को यूज़ कर पाओगे और कोई ऑप्शन नहीं आता, ठीक है। उसके बाद में इस तरह से कुछ चीज़ें बन करके आप लोगों के सामने आ जाएंगी। मैंने पूरी प्रॉपर वीडियो बना करके बता रखा है गाइस कैसे इसकी हेल्थ है, कितनी इसकी पावर है, क्या सब कुछ रहने वाला, बैटरी वगैरह क्या सब कुछ है। तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए वीडियो डाल रखी है, आप लोग उसको जरूर चेकआउट कर लेना। बाकी इधर टीपीपी और एफपीपी आप लोगों के ड्रोन के लिए भी है, ठीक है, जैसा कि मैं अभी आप लोग करके दिखा रहा हूं। तो ये देख लो, ठीक है, कुछ इस तरह से हम लोग ये जो पूरा का पूरा ड्रोन रहने वाला है। एंड गाइस अभी इसको लेकर के चलते हैं बाहर की तरफ में एंड अभी आप लोग को दिखाता हूँ कैसे आप लोग इससे बंदों को स्पॉट कर सकते हो। तो गाइस मैं जैसे ही ड्रोन को थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेकर गया तो मुझे सामने की तरफ में एक बंदा नजर आया। अभी इसी के पास में ड्रोन को लेकर के चलते हैं। एंड गाइस हाँ, आप लोग का जो ड्रोन है अगर उस पर कोई फायर करेगा तो वो पूरा का पूरा डैमेज हो जाएगा। बाकी इस बंदे ने ध्यान इसलिए नहीं दिया क्योंकि इस बंदे के पास में खुद एक ड्रोन था एंड ये देख लो ये खुद एक ड्रोन उड़ा रहा है, लेकिन इसको ये नहीं पता इसके सामने में भी एक ड्रोन खड़ा हुआ है, ठीक है। तो अभी गाइस इसको मैं हम मार्क वगैरह तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आप लोग क्या कर सकते हो कि अपने ड्रोन कैमरे को कहीं साइड में छोड़ करके आप लोग उस ड्रोन के पास में जरूर जा सकते हो। तो मैं इधर अपने ड्रोन को इधर साइड में रख देता हूँ ताकि मुझे इनकी एक्टिविटी का अंदाजा रहे कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं।
तो अभी मैंने इधर की तरफ आप लोग एक ऑप्शन मिलता है स्टैंड बाय का, तो आप लोग जैसे उस पर क्लिक करोगे तो आप लोग वापस इधर आ जाओगे। एंड मुझे पता चल गया था कि बंदे किस तरफ में खड़े हैं, तो मैं फटाफट से उधर की तरफ भागते हुए जा रहा हूँ। तो गाइस अभी आप लोग देख सकते हो सामने की तरफ में है इधर बंदे, ठीक है। मैं अभी आप लोग को दिखा देता हूँ। एंड मैंने ड्रोन को रखा हुआ है बिल्कुल इनके ऊपर, ठीक है। मैंने एक बंदे को इधर नॉक भी कर दिया है। ड्रोन आप लोग देख पा रहे हो बिल्कुल छत के ऊपर में खड़ा हुआ है, वो अपना ड्रोन है। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो कि इस बंदों को स्पॉट कर सकते हो। तो मैंने इधर की तरफ में जैसी है मैंने इधर जो बंदे देखे थे इनको तो मैंने गाइस इधर से फिनिश कर दिया। तो गाइस आप लोग भी अपने ड्रोन को कुछ इसी तरह से रख करके उनको इजीली खत्म कर सकते हो, ठीक है। ड्रोन के बारे में मैंने ज़्यादा जानकारी इसलिए नहीं दी आप लोगों को, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दी है जिसमें गाइस आप लोगों को पता चल जाएगा कैसे ड्रोन को चलाना है, कैसे उसको कहाँ खड़ा करना है, कैसे उसकी बैटरी रेंज वगैरह सब कुछ मैंने बता दिया, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अच्छी लगी लाइक करना, कॉमेंट करना और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर।